नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूं, अगर आप अपनी राशि के अनुसार प्रातःकाल जगते ही, बिस्तर छोड़ते ही, पलंग से उतरते ही, बेड से उतरते ही जिस इष्ट और भगवान का नाम लेते हैं तो वो कई गुना आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं लाइफ में। सकारात्मक ऊर्जा से आप भरपूर हो जाते हो। हर जैसा कि आपको पता होगा, हर मनुष्य का कोई ना कोई इष्ट जरूर होता है, किसी ना किसी प्रभु का। सभी देवी देवता सभी बच्चों पर, सभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं, लेकिन यदि वो आपकी राशि के अनुसार हो तो फिर कहना ही क्या है। और अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो वीडियो आपके काम का है, और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं, आपके जीवन से दुखों का खात्मा कर सकूं, जो मेरी तरफ से हो सकता है जितना भी। बाकी तो परमात्मा है करने वाला, और परमात्मा को आप जितना मानेंगे वो आपके लिए रास्ते बनाएंगे। आइए जानते हैं राशि के अनुसार आपको क्या करना है, कौन से भगवान का नाम सुबह सुबह जगते ही लेना है। मेष राशि वाले सुबह जगते ही सबसे पहले कार्तिकेय भगवान का स्मरण करें। कार्तिकेय भगवान का जो स्वरूप है उनका स्मरण करें और उनको नमन करते हुए बिस्तर छोड़ें तो उनको कई गुना जीवन में सफलता मिल सकती है। दूसरे जो भगवान हैं वो है मंगल देव। एक्चुअली वो ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, और मंगल देव उनका जो स्वरूप है वो आप सर्च कर सकते हैं, कहीं भी इजीली मिल सकता है आपको सर्च में। तो उनकी अगर आप एक पिक्चर भी अपने बेडरूम में रख लेते हैं और उनको नमन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा प्रातःकाल उगते हुए सूरज के दर्शन करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ की। वृषभ वाले शुक्र देवता, शुक्र जैसे कि आपको पता है दैत्य गुरु हैं, उनका स्मरण करें। इसके अलावा माता लक्ष्मी का स्मरण करें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब हम मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों को भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण प्रातःकाल जगते ही करना चाहिए। इसके अलावा हरे रंग के जो गणेश जी होते हैं, मरगज के या एमराल्ड गणेश जी होते हैं, वो अपने पूजा स्थान में रखें या फिर अपने घर में कहीं भी रखें आप, जो भी पवित्र जगह है। बेडरूम में अगर आप जोड़े के सोते हैं, पति पत्नी दोनों सोते हैं जिस रूम में, वहाँ पर किसी भगवान की तस्वीर ना रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रख सकते हैं, और हरे गणेश जी को प्रणाम करने से आपके जीवन से अनगिनत सुखों की आपको प्राप्ति होगी और कष्टों का निवारण होगा। कर्क वाले चंद्रमा का स्मरण करें प्रातःकाल। चंद्रमा का अगर कोई मंत्र आप जानते हैं तो मंत्र जाप करें। इसके अलावा भगवान शिव जी का प्रातः शिव परिवार का संपूर्ण रूप से स्मरण करें। अब हम बात करते हैं सिंह की। सिंह राशि वाले क्या करें, भगवान सूर्य का स्मरण करें प्रातःकाल। भगवान सूर्य के नाम अगर उनको याद है तो भगवान सूर्य के आप नामों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना भी, हनुमान जी का स्मरण करना भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या की। कन्या राशि वाले क्या करें, कन्या राशि वाले हरे गणेश जी का स्मरण करें। इसके अलावा श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तुला वाले शुक्रदेव का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके अलावा भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वृश्चिक वाले हनुमान जी का स्मरण करें, उनसे भी पहले भगवान श्री राम का स्मरण करें, श्री हरि विष्णु का स्मरण करें तो उनके सारे भूखे हुए काम बनेंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को बृहस्पति भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु का, साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए, या जिस भी गुरु को आप मानते हैं गुरु स्वरूप का आपको प्रातःकाल स्मरण करना चाहिए। मकर वालों को प्रातःकाल जगते ही शनि देव के जो स्वरूप है उसका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शनि देव ही आपकी नैया को पार लगा सकते हैं। इसके अलावा शुक्रदेव और आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ वाले भी वही चीज़ करें जो हमने मकर के लिए बताई है। मीन राशि वाले क्या करें, मीन राशि वाले प्रातःकाल सुबह जगते ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, माता राधा का स्मरण करें तो उनको जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा बृहस्पति देव का स्मरण करना भी उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है।